परमेश्वर के दैनिक वचन। अंत के समय का कार्य सारे नियमों से अलग है, और चाहे तुम शापित हो या दंडित, जब तक तुम मेरे कार्य में सहायता करते हो और विजय के कार्य में लाभप्रद हो, और चाहे तुम मोआब के वंशज हो या बड़े लाल अजगर की संतान, जब तक तुम कार्य के इस चरण में परमेश्वर के प्राणी का कर्तव्य निभा सकते हो और यथासंभव सर्वोत्तम कार्य करते हो, तब तक उचित परिणाम प्राप्त होगा। तुम बड़े लाल अजगर की संतान हो और तुम मोआब के वंशज हो। कुल मिलाकर जो कोई भी रक्त मांस से बने हैं, वे सभी परमेश्वर के प्राणी हैं और वे सृष्टिकर्ता द्वारा बनाए गए थे। तुम परमेश्वर के प्राणी हो, तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं होनी चाहिए, और यही तुम्हारा कर्तव्य है। निस्संदेह आज सृष्टिकर्ता का कार्य समस्त ब्रह्मांड पर निर्देशित है। तुम किसी भी वंश के क्यों न हो, सबसे पहले तुम परमेश्वर के प्राणियों में से एक हो। तुम लोग मोआब के वंशज परमेश्वर के प्राणियों का अंग हो। अंतर सिर्फ ये है कि तुम्हारा मूल्य निम्नतर है। चूंकि आज परमेश्वर का कार्य समस्त प्राणियों में किया जा रहा है और समस्त ब्रह्मांड उसका लक्ष्य है, इसलिए सृष्टिकर्ता अपना कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु का चयन करने को स्वतंत्र है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि तुम किसके वंशज हो, जब तक तुम उसके एक प्राणी हो और जब तक तुम उसके कार्य, विजय और गवाही के कार्य के लिए लाभदायक हो, तब तक वो बिना किसी हिचक के तुम्हारे भीतर अपना कार्य करेगा। ये लोगों की परंपरागत धारणाओं को खंड खंड कर देता है, जैसे ये है कि परमेश्वर कभी अन्य जातियों के मध्य कार्य नहीं करेगा, विशेषकर उनमें जो शापित और निम्न हैं, क्योंकि जो शापित हैं उनकी आगामी समस्त पीढ़ियां भी सदा के लिए शापित रहेंगी। उन्हें कभी उद्धार का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर कभी अन्य जाति की भूमि पर उतरकर कार्य नहीं करेगा और कभी मलिनता की भूमि पर अपने कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वो पवित्र है। ये सभी धारणाएं अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य द्वारा चकनाचूर कर दी गई हैं। जान लो कि परमेश्वर समस्त प्राणियों का परमेश्वर है। वो स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त वस्तुओं पर प्रभुत्व रखता है, और केवल इसराइल के लोगों का परमेश्वर नहीं है। इसलिए चीन में ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्या ये समस्त राष्ट्रों में नहीं फैलेगा? भविष्य की महान गवाही चीन तक सीमित नहीं रहेगी। यदि परमेश्वर केवल तुम लोगों को जीतता है, तो क्या दानवों को कायल किया जा सकता है? वे जीते जाने या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं समझते। और केवल जब समस्त ब्रह्मांड में परमेश्वर के चुने हुए लोग इस कार्य के चरम परिणामों का अवलोकन करेंगे, तभी सब प्राणी जीते जाएंगे। कोई भी मोआब के वंशजों से अधिक पिछड़ा और भ्रष्ट नहीं है। केवल यदि इन लोगों पर विजय पाई जा सके जो कि सबसे अधिक भ्रष्ट हैं, जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया,
या इस बात पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर है। वे जब जीत लिए जाएंगे और वे अपने मुख से परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उससे प्रेम करने में समर्थ होंगे, तो ये विजय की गवाही होगी। हालांकि तुम लोग पतरस नहीं हो, पर तुम पतरस की छवि को जीते हो। तुम पतरस की गवाही धारण करने योग्य हो और अय्यूब की भी, और ये सबसे महान गवाही है। अंततः तुम कहोगे, हम इसराइली नहीं हैं, बल्कि मोआब के त्यागे हुए वंशज हैं। हम पतरस नहीं, उसकी जैसी क्षमता पाने में हम सक्षम नहीं, न ही हम अय्यूब हैं, और हम पौलुस के परमेश्वर के लिए कष्ट सहने और खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के संकल्प से तुलना भी नहीं कर सकते, और हम इतने पिछड़े हुए हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेने के अयोग्य हैं। परमेश्वर ने फिर भी आज हमें उन्नत किया है, इसलिए हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहिए। और हालांकि हमारी क्षमता और योग्यताएं अपर्याप्त हैं, लेकिन हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं। यह हमारा संकल्प है। हम मोआब के वंशज हैं और हम शापित हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा से था और हम इसे बदलने में असमर्थ हैं, परंतु हमारा जीवन और हमारा ज्ञान बदल सकता है, और हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए संकल्पित हैं। जब तुम्हारे पास ये संकल्प होगा, तो ये साबित करेगा कि तुमने जीते जाने की गवाही दी है।